गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग विथ C++। वैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन इसके कुछ इसी चैप्टर के अंदर के कुछ प्रोग्राम है जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, और हम C++ के प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि C++ में किस प्रकार से प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम है जो हमारे कभी कभार एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले शुरुआत करते हैं C++ प्रोग्राम की, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि C++ प्रोग्राम टू नंबर। अब ये कह रहा है कि एक C++ में प्रोग्राम बनाना है जिसके अंतर्गत दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम है। तो देखो, दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम है तो जिस प्रकार से हमने सी भाषा में प्रोग्राम बनाए थे, इसी प्रकार से C++ में भी प्रोग्राम बनेगा। बस फर्क कितना रहेगा कि जैसे C++ में हेडर फाइल है, वैसे सी भाषा में भी हेडर फाइल थी। अपने सी भाषा में जो हेडर फाइल है वो studio.h लगती थी, लेकिन यहाँ पर है वो हेडर फाइल थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी वो सेम रहेगा। बाकी की जो प्रिंट ऐप स्कैन ऐप है उसकी जगह अपने प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप थे उसकी जगह यहाँ पर लगेंगे सी आउट और सी इन काम करेंगे, यानी सी इन फंक्शन और सी आउट फंक्शन काम करेंगे। तो ये अपन सीखेंगे कि किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं अपन प्रोग्राम की। तो ये तो आपको पता ही है कि प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो ये पहले एस साइन से करते हैं, जिसका मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हेडर फाइल, यानी ये एज साइन इस प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत करते हैं अपन, दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम है तो किस प्रकार से। देखो, सबसे पहले लगेगा ये एज साइन लगाया, और यहाँ पर इंक्लूड फाइल लिखनी है। अब यहाँ पर लगाना IO स्ट्रीम। अब देखो .h, अब यहाँ पर क्या है कि डिपेंड करता है अपने कि किस प्रकार का आपके कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर है C++ का। अब C++ का सॉफ्टवेयर एक तो टर्बो है, अगर आपने टर्बो यूज़ करते हैं तो उसमें IO stream.h लगाना ज़रूरी है, और अगर आप टर्बो की जगह देव C++ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको IO stream ही लिखना है, .h लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम बनाने में। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि बिली .h कई जगह आपको .h मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब सबसे पहले है तो सबसे पहले कौन सी आपकी ये फाइल लगेगी। अब इसके फाइल लगने के बाद यूजिंग नेम स्पेस का उपयोग करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर उसके बाद यहाँ लगेगा अपना इंटीजर मैन फंक्शन, और इंटीजर मैन फंक्शन लगने के बाद ये करली ब्रैकेट। अब यहाँ तक तो अपने सीखा ही था कि क्लास फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद मैन फंक्शन का डिक्लेयर किया जाएगा, पहले ये हेडर फाइल लगेगी और इंक्लूड फाइल लगेगी, फिर उसके बाद क्लास फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, और फिर उसके बाद मैन फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, और फिर उसके बाद ये अपना जो C++ का स्ट्रक्चर था ये हमने शुरुआत से पढ़ा ही था। तो यहाँ तक तो हर प्रोग्राम के अंतर्गत आपका सेम लैंग्वेज रहेगी। अब इन्होंने क्या कहा कि दो संख्याओं को जोड़ना है, ऐड टू नंबर, यानी अब आपके सिर्फ दो नंबर ऐड करने। तो हमने माना कि नंबर वन है वो ए और नंबर टू है वो बी, ए और बी होगी। अब इनको करना क्या, ऐड करना, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ सम फंक्शन लगाऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इन वेरिएबल में देखो अगर देखा जाए तो वैसे ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में इसकी तो वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे अपन, इसकी वैल्यू तो अपन इनपुट नहीं करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इनपुट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इनपुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो ये वेरिएबल है दोनों, इन वेरिएबल को अपन क्या करेंगे, इन वेरिएबल में अपन वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, थर्ड वाली वैल्यू में, थर्ड जो वेरिएबल है इसमें अपन वैल्यू को इनपुट नहीं करवाएंगे। तो नंबर वन है वो ए है, नंबर सेकंड बी है। अब करना क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमने सम फंक्शन लगा दिया,
तो आप देखो यहां पर लगा देंगे इंटीजर, इंटीजर लगाएंगे क्योंकि यहां पर जो अपन ऐड करेंगे वो विदाउट डेसिमल वाली संख्या ऐड करेंगे, ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी सिर्फ आपको समझना है। लिखने के लिए मैं आपको समय दे दूंगा, उस समय के में आप अपने प्रोग्राम आराम से लिख लेना, ठीक है। अब इंटीजर लिया, अब नंबर वन नंबर दो नंबर को कह रहा है, तो देखो नंबर वन ए और नंबर वन बी करना क्या है, ऐड। तो यहां पर मैंने लगा दिया सम फंक्शन, कोष्टक सेमी कॉलन जो अपन कहते हैं इसको, अर्ध विराम सिन्ह वो बंद कर दिया। अब यहां लगा रहा हूं मैं आई सी आउट। अब आपको पता हो कि हमने सी भाषा में क्या लगाते थे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ की जगह सी प्लस प्लस में यूज किया जाएगा सी आउट, यानी ये सी लैंग्वेज के अंतर्गत, और सी प्लस प्लस में यहां सी लैंग्वेज में स्कैन एप यूज करते थे, और यहां पर आ जाएगा सी इन। ये दो अपने काम करेंगे, ठीक है। ये सी लैंग्वेज के अंतर्गत है और ये सी प्लस प्लस के अंतर्गत इनका। अब जिस प्रकार से स्टूडियो डॉट एस से ये अपने काम करते थे फंक्शन, इसी प्रकार से यहाँ पर एक हेडर फाइल लगती है जिसका नाम है आई ओ स्ट्रीम डॉट एस। आई ओ स्ट्रीम डॉट एस से ये फंक्शन काम करेंगे, ठीक है। तो देखो सी आउट लगा दिया, इन्विटेड कॉमा, और यहाँ लिखे मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ, ये एंटर नंबर ऑफ ए, ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल इन्वर्टेड कॉमा बंद और सेमी कॉलन से बंद कर दीजिए, फर्स्ट है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये अपने ये जो लाइन है वो यूजर को अपने इनपुट करवा दी, और फिर उसके बाद सी इन, और यहाँ लिख दिया मैंने ए कोष्टक बंद, सेमी कॉलन से बंद कर दिया। फिर वापस सी आउट, सेकेंड वैल्यू को इनपुट कराओ, यानी सेकेंड मैसेज आप यूजर को भेजो, और फिर वही एंटर द वैल्यू ऑफ बी इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन से बंद, फिर वापस वही सी इन, और यहाँ पर बी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर सम फंक्शन क्या यूज करूँगा, ये सम फंक्शन इक्वल ए प्लस बी सेमी कॉलन से बंद हो गया। अब क्या करूँगा, ये सम फंक्शन हमने जोड़ दिया, अब मुझे क्या करना है, इसका रिजल्ट निकालना है, तो सी आउट, और सी आउट में इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिक एन, ऑब्लिक एन का मतलब क्या हो गया, न्यू लाइन, न्यू लाइन के लिए, और यहाँ लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ नंबर द रिजल्ट ऑफ टू नंबर टू नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कोष्टक, और फिर यहां लिखेंगे सम, और सेमी कॉलन से कर देंगे बंद। ये जो मंजिला कोष्टक खोला था, ये मंजिला कोष्टक वापस कर दीजिए या बंद। ये हो गया आपने दो संख्याओं का जोड़ने का प्रोग्राम। अब आराम से आप लिख लेना, आपके पास समय है, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम कैसे रहेगा। अब जो अपना इसका अगला प्रोग्राम है वो लेते हैं अपन रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का ले लेते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल का मैं करवाऊंगा तो रेक्टेंगल को आपको करना है, तो अपन लेते हैं ट्रायंगल का कि ट्रायंगल का अगर प्रोग्राम है तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखो प्रोग्राम नंबर टू, सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रोग्राम। तो देखो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी जिसे अपन कह सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है सूत्रफल, यही तो है अपना सूत्र, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं जिसे अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यही सूत्र है, ठीक है। अब
आपको करना क्या है कि पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को आप आराम से समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे या अपन को क्या इसके अंदर ऐड करवाना है वो देखो। अब हमें यह बताया कि अपन को प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम बनाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का अपन को प्रोग्राम बनाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले वही कोई दिक्कत नहीं है, एस इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एस हेडर फाइल लगा ली। फिर उसके बाद वही बात यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर उसके बाद इंटीजर मैन फंक्शन और ये करली ब्रैकेट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फिर यहां पर देखो अब हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ये होता है 1/2। अब 1/2 है तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू हमें जो इंसर्ट हो यानी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो हमें पता है पॉइंटों में होगी। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको 1/2 को मैं वापस अगर इसको डिवाइड कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 आंसर आएगी, तो इसका मतलब पॉइंट वैल्यू वैल्यू आई। अब पॉइंट वैल्यू वैल्यू आई तो यहां पर जो मैं डाटा टाइप देने वाला हूं वो दूंगा मैं फ्लोट। जब अगर कोई भी वैल्यू है और वो विदाउट डेसिमल की है, अगर कोई वैल्यू विदाउट डेसिमल की है तो उसकी जगह अपन कौन सा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटीजर। और अगर कोई वैल्यू है और वो वैल्यू विथ डेसिमल है, अगर कोई वैल्यू डेसिमल वाली आ रही है तो उसमें अपन यूज करेंगे फ्लोट। तो यहां जो डाटा टाइप लगेगी वो कौन सी लगेगी, फ्लोट। तो यहां लगा दो मैंने फ्लोट। अब ज्ञात क्या करना है, देखो कि इसके अंतर्गत क्या था, एक तो था बेस और एक हाइट। तो देखो कॉम बी एस कोई दिक्कत नहीं, बी और एस। अब क्या करना है, एरिया थर्ड नंबर पे एरिया। बाकी जिस प्रकार से सी भाषा के अंतर्गत कॉमन चीजें थी वो के वो सी प्लस प्लस में कॉमन मिलेगी आपको, किस प्रकार से देखो कि अगर मैंने यहां पर फ्लॉट में जब मैं डाटा टाइप में वैल्यू को जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तब इसके अंतर्गत मैं यहां लिखता हूं बी कैपिटल और हैश कैपिटल, तो इसका मतलब जब मैं इसको सी इन के अंतर्गत लिखूंगा तब भी मुझे यहां कैपिटल ही दर्शाना है, और अगर मैं यहां कैपिटल नहीं दर्शाऊंगा तो फिर हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत एरर आ जाएगी। ये चीज मैंने आपको सी लैंग्वेज के अंतर्गत भी बताया था कि जो यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल में जो चीज आप डिक्लेयर करोगे जिस कैपिटल जिस लेटर में आप डिक्लेयर करोगे, चाहे वो लोअर केस में करो या अपर केस में, जिसे या फिर आप स्मॉल लेटर या फिर लोअर लेटर में भी आप कह सकते हो, ठीक है, तब वो आपको ध्यान रखना है। अगर स्मॉल लेटर में कर रखा है तो सी इन के भी स्मॉल लेटर, अगर लोअर लेटर में कर रखा है तो फिर यहां पर भी वही यानी कैपिटल, ठीक है। अब स्मॉल और कैपिटल आ गया, अब कैपिटल में आपने अगर मान लो जैसे ए कैपिटल लिख दिया और ए स्मॉल लिख दिया, तो इसमें क्या है कि यहां पर आपने ए कैपिटल लिखा तो यहां पर भी आपको ए कैपिटल, अगर यहां पर आपने ए स्मॉल लिखा तो यहां पर भी आपको ए स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपने कॉमन बात है जो सी लैंग्वेज के अंतर्गत थी, हो गया। अब क्या करूंगा कि एक यूजर को मैसेज भेजूंगा, किसके लिए, बी के लिए, मुझे बी की वैल्यू इनपुट करवानी है। यूजर को मैसेज भेजने के लिए यहां पर सी आउट का काम लूंगा, सी आउट, और यहां लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन से बंद, और यहां लगा दो सी इन, और यहां लगा दिया बी। फिर वापस क्या करूंगा, ये बी के लिए मुझे मैंने मैसेज भेज दिया, अब मुझे क्या करना है, एस के लिए मैसेज भेजना है, तो वापस सी आउट, और यहां लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एस इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन से बंद। फिर मैं क्या करूंगा, वापस सी इन, और यहां क्या लगा दूंगा, एस। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ते हैं अपन, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या करना है, इसका एरिया सॉल्व करना है, तो एरिया इक्वल, अब देखो क्या करना है, 1/2 था तो 0.5 बोलिए आप बाद में लिखो या पहले लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई यानी पहले आप ये लिख दो, अगर ये
पहले अपन ये लिखते हैं बी मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई 0.5 और फिर इसको सेमी कॉलन से बंद कर दो। अब ये बंद करने के बाद अब इसका मुझे क्या करना है, रिजल्ट लेना है। तो रिजल्ट लेने के लिए फिर मैं यहाँ पर सी आउट फंक्शन का उपयोग करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा ऑब्लिकेन, ऑब्लिकेन का मतलब वही होता है न्यू लाइन, और यहाँ लिखेगा द रिजल्ट ऑफ एरिया, द रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल लिख लो भले, द रिजल्ट ऑफ ट्राइंगल इक्वल, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये कोष्टक, और यहाँ कोष्टक में लिखने के बाद लिख दीजिए आप, यहाँ लिख देता हूँ एरिया, क्या लिख दिया मैंने एरिया। अब यहाँ तक हो गई बात, एरिया लिख दिया। अब एरिया लिखने के बाद मैं जो मंजिला कोष्टक जो मैंने खोला था वो मंजिला कोष्टक मैंने कर दिया बस। तो इस प्रकार से हमने दो प्रोग्राम बनाए, एक प्रोग्राम था दो संख्याओं को जोड़ने का और एक प्रोग्राम था अपने ट्राइंगल का। ये तो थे अपने नॉर्मल प्रोग्राम। अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है वो आप एक बार देख लीजिए, जिसको अपन कहते हैं यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 3। और ये प्रोग्राम है कि C++ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल नंबर, प्रिंट फैक्टोरियल नंबर। अब फैक्टोरियल नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम है, तो फैक्टोरियल नंबर प्रिंट करने के प्रोग्राम से पहले आप एक बार यहां सीख लीजिए कि किस प्रकार से अपन फैक्टोरियल नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल नंबर में ये होता है कि ये जो n है वो क्या है, फैक्टोरियल है, और ये इस प्रकार के सिंबल को दर्शाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी n की वैल्यू होगी उसका मुझे फैक्टोरियल नंबर ज्ञात करना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक आपको बता दूं, जैसे मुझे 2 की फैक्टोरियल वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूँगा, 1 into 2। अब मैं यह 1 into 2 into 3 नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये 2 से अधिक है, लेकिन मुझे 2 से अधिक नहीं जाना, क्योंकि इसमें यही दर्शाता है कि जो जितनी वैल्यू है लेस देन n, यानी n से कम या n के इक्वल, लेस देन n, लेस देन इक्वल टू n, यानी n से कम या n के बराबर, समझ में आ गए। तो अब या फिर अगर मुझे 3 का लेना है तो मैं क्या लूंगा, 1 into 2 into 3। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल लेना है तो 1 into 2 into 3 into 4। इस प्रकार से मैं फैक्टोरियल कर सकता हूँ। अब मुझे पता है कि फैक्टोरियल नंबर ज्ञात करने के लिए मुझे लूप का उपयोग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक वैल्यू आगे बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है ना वैल्यू को, तो यहां पर मैं लूप का प्रयोग करूंगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहां पर देखो, ये दे रखा मैंने f, यानी f को मैंने ले लिया फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i, यानी जो नंबर आएगा उसे मैं i से कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे मैंने यहां पर f की वैल्यू है वो दे दी 1, तो 1, तो यहां पर जो मैंने i की वैल्यू वो रखी 1, तो देखो 1 into 1 क्या हो गया, नई वैल्यू 1, ठीक है। तो अब 1 into, अब i की वैल्यू 1 थी, लेकिन हमने i में क्या लगाया था, 1++ लगाया था, इसका मतलब i की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 into 2 क्या हो गया, 2। अब f की वैल्यू 2, तो 2 into यहाँ क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 3, तो 2 into 3 कितने हो गए, 6, तो ये 6। अब यहाँ पर देखो f की वैल्यू 6 आ गई, अब एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, 3 से आ गया 4, ये 4, तो यहाँ जो न्यू वैल्यू आ गई 5, 24। अब 24 into 5, क्यों 5 लूंगा, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकल एंड, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो सॉल्व करना वो कौन से नंबर का करना है, सिर्फ 4 नंबर वाला ही फैक्टोरियल सॉल्व करना, 5 वाला फैक्टोरियल सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ तक ही जाना है, इसका मतलब 4 का जो फैक्टोरियल नंबर है वो हो जाएगा 24, 2, 6 और 26। ये इसको मल्टीप्लाई करो, 1 into 2, 2 into 3, 6, 6 into 4 हो गया 24, यानी सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो अब इसका एक प्रोग्राम है देख लीजिए, करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन यहाँ लेते हैं वही बात, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एस, ठीक है।
फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहां ले लिया इंटीजर और मैन फंक्शन, फिर उसके बाद लगा दिया आपने कोष्टक। अब कोष्टक में फिर मैंने यहां फैक्टोरियल नंबर ज्ञात करना है, तो यहां ले लिया मैंने इंटीजर। एन है वो नंबर को दर्शाएगा, आई है वो लूप को दर्शाएगा, और यहां पर एफ की वैल्यू वो मैंने दे दी वन, यानी मुझे वन से स्टार्ट ही करवाना है। अगर मैं यहां वन इंसर्ट नहीं करवाता हूं तो फिर ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सी आउट फंक्शन लिया मैंने और यहां लिख दिया मैंने एंटर ए नंबर फॉर फैक्टोरियल, यानी एक नंबर इनपुट करवाना है और वो किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए। इक्वल इन्विटेड कॉमा और सेमी कॉलन से बंद। अब यहां लगा देता हूं मैं सी इन, और ये जो फैक्टोरियल है वो मैंने बताया था आपको एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया एन। अब यहां पर लगेगा लूप, यानी फॉर लूप। ये कहता है कि आई की वैल्यू है वन है, आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी मुझे आई के इक्वल इक्वल जाना है। आई है वो किसके इक्वल जाएगी, एन के इक्वल, और फिर इसके अंतर्गत मैं एक वैल्यू को ऐड कर दूंगा, वो वैल्यू है अपने आई प्लस प्लस, और ये कोष्ठक कर दूंगा मैं बंद, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे यहां पर एक फॉर्मूला लगाना, जो मैंने आपको यहां बताया था ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं अगर यहां इंसर्ट करवाता हूं तो ये मंजिला कोष्ठक, और यहां लिख दूंगा एफ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आई, और ये कोष्ठक बंद कर, ठीक है। और फिर उसके बाद सी आउट, और यहां लिखेंगे ऑब्लिगन द रिजल्ट फैक्टोरियल इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये कोष्टक, और यहां लिखेंगे अपने क्या इंसर्ट किया था एफ, तो ये एफ, ठीक है। फिर यहां पर कोष्टक बंद कर दीजिए, और अब यहां पर भेज दीजिए रिटर्न में जीरो, और ये मंजिला कोष्टक कर दीजिए बंद। इस प्रकार से ये प्रोग्राम हो गया अपना फैक्टोरियल नंबर का, तो ये आप नोट डाउन कर देना। अब इसके एक और प्रोग्राम है इसके अगला, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोग्राम ये है। प्रोग्राम इसी का ही है, किसका है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्सन। बस इसमें फर्क क्या है, इसमें रिकर्सन का यूज नहीं किया है और उसमें अपन रिकर्सन का यूज करेंगे। तो देखो उसका भी प्रोग्राम अपन यहां कर लेते हैं, तो यह आप प्रोग्राम नोट डाउन कर देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर। फॉर क्वेश्चन ये कहता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्सन, यूजिंग रिकर्सन फंक्शन। अब रिकर्सन का फंक्शन का उपयोग करते हुए फैक्टोरियल नंबर याद करना है। अब जब अपन रिकर्सन का फंक्शन का यूज करेंगे, तो जिस प्रकार से अपने सी भाषा में सीखा था, सी लैंग्वेज में भी सीखा था हमने, कि रिकर्सन का फंक्शन को यूज करने के लिए अपने मैन फंक्शन जब अपन डिक्लेयर करते हैं, उस मैन फंक्शन से पहले इसको फंक्शन करवाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर भी वही चीज करेंगे, देखो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले अपन वही तीन लाइन है, तो यहां लिखनी आपको इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एस, फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी, उसके बाद ये अपने सेमी कॉलन से बंद, फिर उसके बाद इंटीजर मैन फंक्शन, और फिर यहां पर मंजिला कोष्टक। अब इसमें अपन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं,
लेकिन ये जो मैंने बताया अब इसी में अपन एक संशोधन कर देंगे यहाँ पर। यहाँ तक तो क्या है, अब मैं अगर मान लो यहाँ पर अगर रिकर्सन का यूज करता हूँ तो ये लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रिकर्सन के लिए ये लाइन उपयोग नहीं होता। जब मैंने आपको बताया था, इसमें भी बताया था कि सी लैंग्वेज में क्या होता है कि मैन फंक्शन जब अपन डिक्लेयर करते हैं तो मैन फंक्शन से पहले इसके लिए एक फंक्शन उपलब्ध करवाना जरूरी हो जाता है, तो इसलिए ये लाइन अपने नहीं लिखी जाएगी। ठीक है न, ये भी कोष्टक अपने बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइन होगी, इस बीच में ही होगी। अब वो क्या लाइन है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। वो लाइन ये है कि पहली बात है कि अपन फैक्टोरियल के नंबर के लिए यहाँ समझ लीजिए कि फैक्टोरियल के लिए अपने क्या डिक्लेयर किया, एप। अब मुझे ये बताओ एप क्या है, इंटीजर में हो रहा है, यहाँ इंटीजर। ठीक है, अब एप क्या है, फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, फैक्ट, फैक्ट। अब ये फैक्ट है वो किस में स्टोर हो रहा है, इंटीजर में, तो कोष्टक बना दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए इंटीजर अपने। और फिर मुझे ये बताओ कि फैक्टोरियल के लिए आपने कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवाई, तो फैक्टोरियल के लिए जो मुझे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर की थी वो एन, तो ये एन किस में, इंटीजर में। तो देखो ये फैक्टोरियल है वो इंटीजर में और ये एन है वो इस इंटीजर में, तो ये लाइन लिखी जाएगी इसकी जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कोष्टक कोष्टक रहेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते अपन। ठीक है, अब यहां पर एक क्या होगा, फंक्शन लगेगा इफ, अगर n इक्वल टू 1, यानी n लेस देन इक्वल टू 1, अगर कोई n की वैल्यू वो 1 के इक्वल हो रही है, 1 के बराबर, तो रिटर्न में चला जाएगा 1। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर यहां लगेगा इल्स, तो क्या करेगा, तो रिटर्न में जाएगा आपके n इंटू एप यानी फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी 1 के वो माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये कोष्टक लगेगा, फिर यहां पर लगेगा void main फंक्शन, और फिर लगेगा अपना ये कोष्टक, और फिर यहां पर अपन एक वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं इंटीजर, और इंटीजर में मैंने यहां लिख दिया f या फिर n, यानी वो नंबर। तो यहां लगेंगे अपन सी आउट और यहां लिखेंगे एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल कर दो और फिर इन्वर्टेड कॉमा और सेमी कॉलन से बंद कर दो और फिर लिख दो यहां सी एन और यहां पर लिख दीजिए एन। ठीक है, फिर यहाँ पर लगा दीजिए सी आउट। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, सी आउट में ऑब्लिक एन और यहाँ लिख दीजिए फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा कोष्टक और यहाँ लिखूंगा एफ और वो हो जाएगा नंबर, सेमी कॉलन बंद और यहाँ लगाऊंगा गेट्स फंक्शन और ये जो कोष्टक था वो बंद। अब ये लाइन आप एक बार समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये लाइन है, यानी इफ बराबर एन लेस देन इक्वल टू 1 तो फिर रिटर्न में क्या चला जाएगा आपका 1, और अगर वो 1 में नहीं जाता है तो ये कहता है कि इसकी जगह अपन यूज करेंगे कि रिटर्न में एन इंटू एप माइनस एन माइनस 1। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर 5 दे दिया एक एग्जाम्पल के लिए, या फिर मान लो 2 दे दिया है, 3 दे दो, 3 का ले लेते अपन। तो देखो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू वो 3 दी थी, अब 3 n 1 के इक्वल है नहीं है, तो फिर ये फंक्शन काम करेगा 3 इंटू एप, एप कब आएगा कि जो n की जो वैल्यू है उसमें से 1 करेंगे, तो n की वैल्यू 1 किया तो वो आ गया एप, n की में वैल्यू यानी 3 में से 1 गया, पीछे कह रहा है 2, तो देखो 3 इंटू 2। अब यही वैल्यू वापस वो n के पास गई, क्या n है 2 है वो लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर ये फंक्शन काम करेगा वापस, तो देखो कौन सा करेगा, पहले देखो 3 फिर आगे 2। अब क्या आ गया कि 2 इंटू एप की वैल्यू कब आएगी, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो यहाँ आ गया 1। अब ये 1 है वो किसके इक्वल जाएगा, यहाँ पर, जब यहाँ पर गया
तो 1 <= 1, दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो रिटर्न में आ जाएगा अपना 1, ठीक है। तो रिटर्न में 1 आ गया, तो फिर ये आ गया अपने, तो इसका मतलब 3 × 2 × 1। इस प्रकार से देखो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 1, यानी 6, 3 का जो फैक्टोरियल है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये 4 प्रोग्राम देखे, जो अपने 2 प्रोग्राम है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आपको एक प्रोग्राम है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसमें आपको होमवर्क में ये लिखना है, 2 प्रोग्राम दे देता हूँ, एक देता हूँ C++ प्रोग्राम 2 एड 3 नंबर, यानी 3 संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम, एक तो ये करके लाना है, और एक आपको लिखना है C++ प्रोग्राम 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये 2 प्रोग्राम है आपको अपने घर से उमरक में करके लेके आना है, ठीक है। अब इनकी जो अगर प्रॉब्लम होगी तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो उसमें बता देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।